सत्ययुग के आरंभ में पृथ्वी के सभी वासी बगैर राजा के ही रहा करते थे। किसी पर भी कोई शासन नहीं करता था, परंतु तब तक इस धरती पर अधर्म का पदार्पण नहीं हुआ था। इसीलिए सभी लोग धर्म के ही कार्य यानी हवन, वेदों का पाठ आदि किया करते थे। इसी प्रकार देवता भी इंद्र के ना होने से अपने कार्य को अपनी इच्छा अनुसार ही किया करते थे। यानी तब मनुष्य और देवताओं दोनों के लिए कोई भी नियम नहीं हुआ करते थे। बस सत्य और धर्म के प्रभाव से वह सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया करते थे, जिसके कारण भूलवश कई गलतियां भी हो जाया करती थी। ऐसे हालात में स्वयं ब्रह्मा जी को ही सभी जगह अपनी नजर रखनी पड़ती थी, क्योंकि उस सत्ययुग के तपस्वी और दैत्य इतने शक्तिशाली होते थे कि कभी कभी देवताओं को विवश होकर उन तपस्वियों के अनुसार ही अपना कार्य करना पड़ता था। तो कभी दैत्य उन्हें डराकर कुछ भी करा लिया करते थे और कोई भी देवता उनका सामना नहीं कर पाता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं पर अंकुश लगाने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए देवताओं के राजा का एक पद बना दिया और उस पद पर एक देवता का राजा के रूप में अभिषेक कर दिया, जो कि आम तौर की भाषा में इंद्र कहलाया गया। उसके बाद सभी देवता अपने राजा इंद्र के अधीन होकर नियम पूर्वक कार्य करने लगे। और तब देवताओं को यदि पृथ्वी का कोई तपस्वी या दैत्य अपनी शक्ति से विवश करना चाहता था, तो इंद्र उस तपस्वी और दैत्य से देवताओं की रक्षा करते थे। तब पृथ्वी वासियों ने देखा कि स्वर्ग में देवताओं का एक राजा हो गया है, जिससे सभी देवता ताकतवर भी हो गए हैं। तब सभी पृथ्वीवासी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे विनती की कि जिस प्रकार इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर आपने स्थापित किया है, उसी प्रकार हमारे लिए भी किसी एक श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, क्योंकि अब हम लोग भी बगैर राजा के नहीं रहेंगे। पृथ्वीवासियों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने चारों लोकपालों को बुलवाया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर देवताओं में यह चार लोकपाल कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी ने चारों लोकपालों से अपने अपने तेज का एक एक अंश देने के लिए कहा। तब चारों लोकपालों ने अपने अपने तेज का एक भाग ब्रह्मा जी को दे दिया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई थी, जिससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम छुप रखा गया था। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष छुप को ही लोकपालों के दिए हुए तेज से संयुक्त कर दिया। हर राजा में इन चारों लोकपालों के तेज का अंश होता है, इसलिए सभी राजा इंद्र के तेजो भाग से अपने राज्य पर शासन किया करते थे। तो वरुण के तेजो भाग से अपने राज्य की प्रजा का पोषण किया करते थे। कुबेर के तेजो भाग से राजाओं के पास धन संपत्ति की आभा होती है और यम के तेजो भाग से वह राजा प्रजाजनों को उनके अपराध करने पर दंड दिया करते हैं। इसीलिए ही ब्रह्मा जी ने उस पुरुष छुप को चारों लोकपालों के तेज से संयुक्त करके इस पृथ्वी का पहला राजा बना दिया था।